पॉप है सब, बार बार देता है लेता है सब। देखिए व्यक्तिगत नहीं होना होना चाहिए। हाँ। कोई भी आदमी अगर सरकार में है चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जब वो गलत काम करेंगे, ठगने का काम करेंगे, तो फिर तो विरोध होवे करेगा। स्पेशल फंड दे करके हम फट स्पेशल फंड बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं तो गद्दी पर से उतर जाओ, नहीं तो जनता उतार करके बिग देगा तो चनिया जाओगे। तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम बिहार का जो है बेड़ा गर्क है मेरे भाई। अल्लाह लागल झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली। संसद सत्र के पहले ही दिन बिहार को बड़ा झटका लग गया और कई वर्षों की जो मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पर अब पूरी तरह से संशय खत्म हो गया और पूरी तरह से केंद्र ने विशेष राज्य का दर्जा देने से नकार दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसे में एक तरफ जहां बिहार के राजद के नेता लालू प्रसाद यादव वो नाराज नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी कर दिए हैं, तो वहीं भागलपुर के छोटे लालू उर्फ आलोक यादव जो है वो भी नाराज हो गए हैं और अब भागलपुर समेत जिले वासियों की इस मांग को लेकर अब बुलेट पर सवार होकर यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जंतर मंतर के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ छोटे लालू है, कलाकार है और भागलपुर के तमाम युवा जो है, साथ ही साथ जितने भी लोग हैं सभी की मांग को लेकर, ये देख रहे हैं आप एक झंडा ये साथ में लिए हुए जिसपे ये लिखा हुआ है कि बिहार मांगे विशेष राज्य का दर्जा, तो ये मांग को लेकर अब जा रहे हैं। देखिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला आलोक जी, लेकिन विशेष पैकेज जैसा कुछ नजर आ रहा है बजट में, क्योंकि कई सारी योजनाएं मिल रही है बिहार को, कहाँ को निकल पड़े हैं और क्या चल रहा है मन में? देखिए सबसे पहले जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, सब जितने गोतिया लोग हैं सबको प्रणाम, जय बिहार जय हिंद। मेरा यही कहना है कि चाहे जो भी मौजूदा सरकार है, हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हमारा जो हक है जो भी बिहार का या बिहारियों का जो भी हक है या जो भी उसके साथ छल हो रहा है उसको बंद किया जाए और चुपचाप आंख मून करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आप हर चीज में कह दिया ना कि बिहार फुलफिल नहीं है क्राइटेरिया विशेष राज्य का दर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए सटा हुआ, नेपाल सटा हुआ है, यहाँ का जो है गरीबी रेखा कितना है बहुत नीचे है, है? और उसके बाद बहुत सारा चीज है जिसके लिए हम लोग जो है सोचे हैं। आज का जितना युवा है एक बार उधर भी दिखा दीजिए, भाई लोग भी हैं सबको आए हुए हैं, हम लोग जो है जाएंगे और उसके बाद ये जो है सिंपल एक, हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं, सिंपल है कि बिहार में घूर करके थोड़ा सा जाए, दिल्ली में कुछ भाई लोग हैं उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो है जंतर मंतर जाने का ही प्लानिंग है क्या? अभी वैसा कुछ नहीं है, अभी ये बस एक जागरूकता यात्रा है, बहुत लंबा यात्रा है। कितना किलोमीटर होगा और कितना परेशानी झेली? 1300-1400 किलोमीटर होगा। परेशानी क्या है, ऐसे भी परेशानी रहते हैं, ऐसे भी परेशानी। आलोक जी छोटा लालू के नाम से आप मशहूर हैं, लालू यादव इस्तीफा मांगे हैं पता है ना आप, अब लालू के अंदाज में लेकिन बोलना पड़ेगा। अच्छा आप कहते हैं तो हम बोल देंगे। हाँ बताइए, इस्तीफा मांग रहे हैं लालू यादव नीतीश कुमार से, आप क्या कहिएगा नीतीश कुमार? देखिए व्यक्तिगत नहीं होना होना चाहिए। हाँ। कोई भी आदमी अगर सरकार में है चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जब वो गलत काम करेंगे, ठगने का काम करेंगे, तो फिर तो विरोध होवे करेगा। तो यह सब बात है, तो इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि बिहार से जो है दिल्ली तक हम लोग जाएंगे और फिर वहां से आएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग युवा लोग जिस भाई भाई बंधु लोग हैं सबको मिल करके हम लोग बैठेंगे, अमरन अनशन पे बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीका से, ही ना कि हुड़दंगी कर देंगे या नहीं। अच्छछा आम बजट पास हुआ आलोक जी? हाँ। आम बजट में कई सारी योजनाएं मिल रही है जैसे कि लॉलीपॉप है सब। हाँ। बार बार देता है लेता है सब। भागलपुर बक्सर एक्सप्रेस वे मिला है, पावर प्लांट मिला है भागलपुर में, ऐसे भी जो है रोड तो बनने का चीज है, कोई बनवे करेगा। हाँ। आपके सांसद कोटा के भी फंड से रोड बनेगा, लेकिन यहाँ पे पैच खेला गया कि जो है यहाँ पे स्पेशल फंड दे करके हम फट स्पेशल फंड बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं तो गद्दी पर से उतर जाओ, नहीं तो जनता उतार करके बिग देगा तो चनिया जाओगे। अच्छा एक मिनट, नीतीश कुमार मिले
एनडीए में फिर से वापस गए, तब भी विशेष राज का दर्जा नहीं मिला। लालू जी भी नाराज है, आप तो पूरा फायर नजर आ रहे हैं। देखिए हम नहीं चाहते कि ये जो है गरीब गुरबा के हित के साथ राजनीति हो। आज आप चले जाइए ऊपर, कितना कटाव होता है, कितना बाढ़ आता है, गरीब मैया त्राही माम करती है, रोती है, विलाप करती है, कौन आता है देखने के लिए? गंगा कोसी दोनों बोले कितना ज्यादा जो है। खगड़िया जिला चले जाइए, वहाँ हमारा पैतृक गांव है, जाइए सात नदी से घिरा हुआ खगड़िया, राजा टोडरमल उसको नहीं संरक्षित कर पाए। जब जब आते थे बांध करके देखते थे अगला बार बह गया तो उसको कह दिया फरकिया। उस साइड का जो बिहार का जो स्ट्रक्चर है, जो जिला है, हर बार तो बार हेम कट जाता है। बार कटाव के लिए कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया, भी स्पेशल स्टेटस मिलेगा तभी कुछ होगा। कितना साल के हैं आप आलोक जी, ये बताइए? 22-23 साल के होंगे, युवा है एकदम। युवा के लिए क्या कुछ चाहते हैं, युवा किस तरह से है बिहार का? मेरे भाई है सोनू, वहाँ पे क्रिकेट खेलता है, देखिए बिहार में उसका क्या बोलते हैं उसको, बोलो जरा सा, आए इंफ्रास्ट्रक्चर की, हवा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बोले वो नहीं है, कमी है। अरे मान्यता दीजिएगा क्रिकेटर को, तब गंगुली बनेगा, सौरभ गंगुली की तरह शॉट मारेगा और उसके बाद मुथैया मुरलीधरन की तरह टिप देकर विकेट ले लेगा। मौका दीजिए तब ना। कबड्डी के देखिए यहाँ पे लाजपत पार्क में कितने रोज शाम में प्रैक्टिस करता है, टाइम मैट गिरवा देते हैं, एक भी मैट नहीं है। कलाकारों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम बिहार का जो है बेड़ा कष्ट है मेरे भाई। अल्लाह का लागल झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली, कलकत्ता नहीं बलम दिल्ली चली, हाँ वही हुआ, वही हुआ। चलिए तो अपने मित्र को साथ में लिए हैं, हमारे आलोक यादव जी हैं, और ये जो है अब स्टेटस स्पेशल स्टेटस दिलवाने के लिए बिहार को संघर्ष कर रहे हैं, और इसी संघर्ष के साथ अब दिल्ली के लिए भी रवाना हो रहे हैं। काफी कठिन इनका यह सफर होने वाला है, लेकिन बिहार सरकार छलावा महसूस कर रही है, ऐसा इनको लग रहा है कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार जो है वो बिहार के साथ ठगने का काम कर रही है, बिहार को ठगने का काम कर रही है, और जब तक विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल जाता तब तक बिहार का असली विकास नहीं हो पाएगा। जरूर बजट में, आम बजट में कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है, पिटारे में कई सारी चीजें खुली है, लेकिन अब भी यहाँ के युवा जो हैं, तमाम कलाकार जो हैं, तमाम स्थानीय लोग जो हैं, वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग अब भी करते नजर आ रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम